उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। वो कहते थे किस लिए कि हम हमको मानदेय पलम बना दीजिए। वे कहते थे भले ही आपको 2000 रुपये महीना दीजिए, लेकिन दीजिए तो उनका क्या किया, उनकी सेवा समाप्त कर दी। यही बात रोजगार सेवकों की आ गई। इसी तरह से जो जाता पैसे मांगने, कुछ लोगों ने हमें फोन करके कहा कि आंगनवाड़ी जो है रोज धरने कर रही है, ऐसा ना हो कि सेवा समाप्त कर दी जाए, क्योंकि सरकार अब बिल्कुल उड़ाने के लिए लगी हुई है। हमने कहा नहीं करेगी। क्या लगे क्यों नहीं करेगी? मैंने कहा क्योंकि 3000 में इससे सस्ता मजदूर सरकार को मिलेगा ही नहीं, कहां मिलेगा। 3000 में पोलियो करें, 3000 में बाल विकास सेवा पुष्टाहार की सारी योजनाओं को करें, 3000 रुपए में PLO करें, 3000 रुपए में टीकाकरण करें, 3000 में गिनती भी गिनवा दें, आपकी जनगणना करें, 3000 रुपए में अब तो ODF भी करवा रहे हैं, जाओ सीटी बजाओ, को जो है खोले ना शौच न जाए, नहीं करवा रहे ना। इससे सस्ता मजदूर कौन सा मिलने वाला है? सरकार आंगनबाड़ी नहीं खत्म करेगी, भले ही चाहे और विभागों को समाप्त कर दे, गलत तो नहीं है। और पैसा भी नहीं देना चाहती। आज आप अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी कहता क्या है, काम चोर कौन, आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी जिस दिन हड़ताल पे चली जाती है उस दिन कहती है ये तो काम ही नहीं हो रहा, खिलाफ सेवा समाप्ति के नोटिस होता क्यों नहीं होता। सबसे पहले सेवा समाप्त का नोटिस बनाते हैं, और अगर सेवा समाप्त का नोटिस बनाने की इतनी हिम्मत है तो उसको लागू करके दिखा दोगा तुम्हारी औकात। क्यों नहीं करते लागू? इसलिए नहीं करते तुम केवल डराकर और धमकाकर 3000 रुपए में ये आप 30000 वाले काम आप इन लोगों से ले रहे हो। आप सिर्फ धमकी देकर डराकर आप काम लेना चाहते हो। कल मेरी डीपीओ से बात हुई, मैंने उससे यही कहा, कहने लगे वो भाई साहब मैंने केवल पत्र चला दिया क्योंकि हमने फॉर्मेलिटी की है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डीपीओ साहब फॉर्मेलिटी मत करो, अगर आपने माँ का दूध पिया है तो सेवा समाप्त कर दो, फिर हम देखते हैं कि आप कहां से लाते हो 3000 रुपए में ऐसे सस्ते मजदूर। कौन सा काम है आज आंगनबाड़ी नहीं कर रही? आपने निर्वाचन के कार तक आंगनबाड़ियों से करवाए, करवाए कि नहीं करवाए? निर्वाचन का कार्य देश का सबसे विश्वस्त लोगों से कराया जाता है, वरना इसको भी NGO से करा लिया जाता कि नहीं? इसको भी दे देते आउटसोर्सिंग वालों को, इसको भी दे देते NGO को ठेका, ऐसा करो चुनाव करवा दो। नहीं देते ना, किसको देते? जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों को। और अगर सरकार ने वो कार्य जो अनुशासन जो है उसमें लागू होता है, जो उसमें अधिसूचना लागू की जाती है जब निर्वाचन आता है, जिसको कहते हैं, देखो दिमाग से निकल रहा है सब, कर्मचारी आचार संहिता, आचार संहिता जब राज्य कर्मचारियों पर लागू होती है तब उनसे चुनावी कार्य करवाए जाते हैं, करवाई जाती ना। और आचार संहिता किस पे लागू होती? कर्मचारी पे। और कर्मचारी क्या काम करता है चुनाव का? आंगनवाड़ी ने मत आपका PLO की ड्यूटी करके वोटर लिस्ट बनवाई, क्या ये चुनाव के कार नहीं है? आप लोगों से ड्यूटी उन्होंने मतदान केंद्रों पे मतदान करवा के करवाया कि नहीं? आप लोग वहां पर निर्वाचन अधिकारी बने कि नहीं? तो आप पे आचार संहिता लागू हुई कि नहीं? तो सरकार ये बता दे कि इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने वाले, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस वही जुमला। हम रोटी की बात करें तो भीख याद आता है, हम भूख की बात करें तो आपको लफ्जिहाद याद आता है, हम आपसे और बात करें कि भाई आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ा दो तो तुम सीधा कहने लगते हो कि भाई किसानों का कर्जा माफ हो गया तो पैसे नहीं बचा। आखिर क्यों? अभी आज एक अखबार में आया, हमने पढ़ा, उसमें लिखा जो 20 लोग, कौन 20 लोग, जो 20 लोग टॉपर आए हैं उनके घरों तक पक्की सड़कें बनवा देंगे। हम लोग जब 108 नंबर के कर्मचारियों को बुलाते हैं ना एम्बुलेंस को, उनको उस दिन हमने लखनऊ में जब कहा कि ये बताइए श्रीमान जी कि आप यहाँ से आंगनबाड़ी मरीज को लेके जाते हो और दरवाजे में अस्पताल पे छोड़ के भाग जाते हो, अंदर आप उनको जो है वो भी नहीं कराते, भर्ती भी नहीं कराते और छोड़ने भी नहीं आते, और ये बिचारी अपने घर का भी यहाँ बाहर से आई आंदोलन में इनको घर नहीं मान। तो कहने लगा भाई साहब हम लोग तो आपसे ज्यादा मजबूर है, आप लोगों को जो पैसा मिल रहा है उसको बढ़ाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और हम लोग को जो मिल रहा है वही 7 महीने से नहीं मिला, अब बताओ आप क्या करो? मतलब
जो स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस के कर्मचारी लगे उनको 6-6 महीने से मानदेय नहीं है। एनएसएम में मानदेय नहीं, वेतन के बजट पर मानदेय नहीं, नई कोई योजना नहीं लागू हुई, जीएसटी लागू कर दिया, ठीक है, सारी योजना लागू कर, मतलब ये लागू किया, कोई योजना नहीं आई, किसी में बजट नहीं, आंगनबाड़ी को 4 महीने से मानदेय नहीं, पैसा जा कहां रहा? नोटबंदी से फायदा होना था वो कहां चला गया, जीएसटी से होना था वो कहां चला गया? आखिर इनके इनके बच्चे हैं, फीस जमा होती है, बच्चे पढ़ते भी होंगे, बीमारियां भी इनको होती है, इनको पैसा कब दोगे? तुम बढ़ा तो रहे नहीं जो दे रहे थे, वो भी तुम नहीं दे रहे। आखिर 2019 पार करना है माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि फिर से बर्बाद ना आए, तो सबसे पहले आप गरीब मजदूर जो सरकार के कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है, आपकी योजनाओं को लागू करता है, इनको हक में जो आपने वादे किए हैं अच्छे दिन लाने के, उनको लाभ, अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश की आंगनबाड़ी आपको बनवास कराने का वादा करते हैं, निरोधन करते हैं। अभी टाइम है, आपने वादे किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अभी भी हम उम्मीद करते हैं, आपके अच्छे दिन के वादे पे हम आज भी विश्वास करते हैं कि हो सकता है कि अब आने वाले हों उनको जल्दी से जल्द लाने की कृपा करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारी इटावा जनपद से आई हुई बहन सीमा शुक्ला जी को, जोरदार तालियां सीमा शुक्ला जी के लिए, वो हमारे बीच में उपस्थित हुई, हम उनका सम्मान करते हुए आमंत्रित करते हैं मंच पर, कृपया वो अपनी बहनों को संबोधित कर हौसला वर्धन करने से।